अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तरखान मेरे चैनल पे सभी प्यारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, आलू की करारी भाजी, इसे चुड़चुड़ी भाजी भी कहते हैं और इसे खासकर बंगाली शादी में भी बनाया जाता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब दाल चावल सब्जी के ऊपर इसे फ्राई करके खा सकते हैं, खाने का टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं चुड़चुड़ी भाजी बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये चुड़चुड़ी भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1/2 kg आलू। आलू हमारा नया होना चाहिए, आलू को इस तरीके से कट कर लेना है, बहुत ही पतला पतला करना है, देख लीजिए, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए पानी में इसी तरीके से रख देना है। आलू हमें 3 से 4 पानी धो लेना है, यानी एक जरा भी इसमें स्टार्च नहीं होना चाहिए। जब हम 3-4 पानी धोएंगे, पानी एकदम जब साफ आना शुरू हो जाएगा तो समझ जाइएगा आलू अच्छे से धुल गया है। और हमें चाहिए होगा 1/2 teaspoon गोल मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon काला नमक, और फ्राई करने के लिए हमें चाहिए रिफाइन ऑयल। अब हमें आलू को इस तरीके से सुखा लेना है, इसमें पानी एक ज़रा नहीं होना चाहिए। इसे सुखाने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो मैं इसे इसी तरीके से रख देती हूँ, आप चाहे तो इसे टॉवल पे भी सुखा सकते हैं। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, देखिए पानी भी बिल्कुल नहीं है इसमें, अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक तरफ मैं तेल चढ़ाती हूँ गर्म होने के लिए, और इसे चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, एक मैं आलू का टुकड़ा डालूंगी, जब आलू का टुकड़ा तेल से ऊपर आ जाएगा तो समझिएगा आपका तेल फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए ऊपर आ चुका है, यानी कि तेल बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। मैं इसे निकाल देती हूँ। और एक साथ हमें बहुत सारा नीट डालना है, इसे मैं 2 बार करके फ्राई करूँगी। हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। एक मिनट हमें इस तरीके से दबा दबा कर फ्राई करना है, बहुत ज्यादा नहीं दबाना है, इस तरीके से। जब 1 मिनट कंप्लीट हो जाए तभी से इस तरीके से फ्राई कर लीजिए पलट पलट कर। ये रेडी हो चुकी है भाजी, मैं इसे निकाल देती हूँ। बहुत ही ज्यादा करारी बनी है, हमें दूसरा बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई करने में 4 मिनट लगा है। आलू की करारी चुड़चुड़ी भुजिया बनकर रेडी है, देख लीजिए कितनी करारी बनी है ये। इसमें गोल मिर्च का पाउडर और काला नमक मिला लेना है, देख लीजिए। आप इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं या टी टाइम भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसकी आवाज़ सुनिए, इसमें मैंने गोल मिर्च और काला नमक अच्छे तरीके से मिला दिया है, देख लीजिए।
अब इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी आलू की चटचड़ी भाजी बनकर रेडी है, देख लीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।